राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत, कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम, प्रशासन अलर्ट, सभी दुकानें और इंटरनेट सेवा बंद। मृतक छात्र के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, दोषी को सजा देने के समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों को 51 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर बनी सहमति, SC ST एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आज सुबह 7 बजे मृतक छात्र का होगा अंतिम संस्कार, पुलिस की मौजूदगी में होगा अंतिम संस्कार। कोलकाता पीड़िता की ऑटोप्सी रिपोर्ट से हैवानियत का खुलासा हुआ है, जहां गला घोट कर हत्या का भी जिक्र है। मृतका की पट्टी डायरी खंगाल रही है टीम, शमशान घाट के स्टाफ ने कहा कि पुलिस ने जल्दी अंतिम संस्कार का दबाव बनाया। ट्विनी डॉक्टर से बर्बरता केस में सीबीआई को बड़ी साजिश का शक है, सेमिनार हॉल से मिले मल्टीपल फुटप्रिंट, हॉल के रेनोवेशन पर भी सवाल, आरोपी संजय रॉय का सीबीआई करवा रही है लाई डिटेक्टिव टेस्ट। डॉक्टर रेप मर्डर के बाद सवालों में कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में सेक्स ड्रग्स रैकेट चलाने का दावा भी किया जा रहा है, सूत्रों से खबर, सीबीआई ने 20 लोगों से पूछताछ की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई है वानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, आज मामले की सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर से रेप और हत्या मामले पर करेंगे चर्चा। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री, 23 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, 21 और 22 अगस्त को पोलैंड यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बार पलटवार, केशव ने योगी को बताया बेस्ट सीएम तो अखिलेश ने उड़ाया मजाक, आपत्तिजनक पोस्ट भी किया। यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर लड़ना चाहती है बीजेपी, सहयोगी दल ने मांगी 5 सीटें, सपा और कांग्रेस में भी खींचतान, बीएसपी ने 2, चंद्रशेखर ने उतारे 3 उम्मीदवार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर, मीडिया में पोस्ट लिखकर हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा कि मेरा अपमान किया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने हाईकोर्ट का रुख किया है, राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की, जमीन घोटाला मामले में राज्यपाल ने केस चलाने की दी थी मंजूरी। बांग्लादेश में हिंदुओं की नौकरी पर मंडरा रहा है संकट, हिंदू टीचर्स पर जबरन इस्तीफे का दबाव बना रहे कट्टरपंथी, बीजेपी और साधु संतों ने जताई नाराजगी। रिपब्लिक भारत पर 4 शंकराचार्य एक साथ, बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर जताई चिंता, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले वचन के बावजूद हिंदुओं पर हो रहे हमले, बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे भारत। बांग्लादेश पर बोली द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की रक्षा की बात पर चारों मठ एकजुट, विश्व कल्याण चाहते हैं हम, दोनों देशों की सरकारें करें बात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई, जहां गोली लगने से सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद, डुडू इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान में जुटे जवान। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो में फिर से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का भी वादा किया। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो को रिलीज किया, कई तरह के लोक लुभावन वादों का खुला पिटारा। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राव जवने कोर्ट में किया जाएगा पेश, सीएम केजरीवाल के आज न्यायिक हिरासत हो रही है खत्म। बेंगलुरु में कोलार कुरुबा संघ के अध्यक्ष रविंद्र को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से हार्ट अटैक आया, कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी के दौरान नर्स के साथ रेप किया, दुष्कर्म के बाद पीड़िता को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार, अस्पताल को भी सील कर दिया, आरोपी डॉक्टर की डिग्री भी हो रही है जांच। राजस्थान के जोधपुर में एक हॉस्टल में एक छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला सामने है, जहां मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने मिलकर छात्र नेता की पिटाई की है, मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर युवक पर हमला कर दिया, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद।
पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के गहने और नगद बरामद किया। बुलंदशहर में घर में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने महिला को घर से खींचकर पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश के पास से अवैध पिस्टल बरामद हुई। यूपी के बुलंदशहर में पति पत्नी में विवाद। ससुराल पक्ष ने युवक को जमकर पीटा। यूपी के सीतापुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। यूपी के बहराइच में नाले में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस टीम शव की शिनाख्त में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने पंडित के बेटे की पिटाई की, जहां दबंगों ने मंदिर में घुसकर मारपीट की। यूपी के एटा में पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के झांसी में आवारा कुत्तों का आतंक। घर के बाहर खड़ी पालतू पर्शियन बिल्ली को नोच नोच कर मार डाला। अयोध्या में वाहन चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने सरगना समेत पांच शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में जमीन विवाद को लेकर पार्षद ने युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के दो आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की। दोनों आरोपियों के पैर हुए फ्रैक्चर। शाहजहांपुर में ऑटो ड्राइवर ने की महिला यात्रियों से छेड़छाड़। पुलिस ने दर्ज की FIR। गोंडा में तालाब में मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में नाबालिग की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने आरोपी का घर कुर्क किया था। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां। यूपी के सहारनपुर में गहरी खाई में गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। यूपी के झांसी में कार पलटने से शराब कारोबारी के बेटे की मौत हो गई। ओरछा से रामराजा सरकार के दर्शन करके घर लौट रहा था युवक। यूपी के गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर पशुओं से भरा मांस से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मौके पर चार लोगों की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवड़ में दो युवक इंद्राणी नदी में डूबे। युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में फूड पॉइजनिंग से तीन बच्चों की मौत हो गई। कई लोगों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश आने से मलबे के साथ बड़े बड़े बोल्डर गिरे, जहां मलबे के साथ बोल्डर आने से सड़क मार्ग बाधित हो गया। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जहां मरे हुए